छपरा में लगातार बढ़ रहा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जानलेवा। जाम से अब तक 60 लोगों की मौत। मौत की बढ़ती संख्या के बावजूद शराब के कारोबार पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम। सिवान के भवनाथपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 2-3 दिन पहले पी थी जहरीली शराब। बेगूसराय में भी शराब पीने से एक शख्स की मौत। जहरीली शराब से एक शख्स की हालत गंभीर। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में शराब से मौत पर प्रशासन का इनकार। एसपी ने कहा शराब से मौत की नहीं हुई है अब तक पुष्टि। मामले की जांच जारी। मुजफ्फरपुर के मनियारी में 1 करोड़ की शराब जब्त। एक ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया। समस्तीपुर में शराब खपाने की थी योजना। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद मुजफ्फरपुर में भी एक्शन में पुलिस। कई जगहों पर पुलिस की कार्रवाई। लोगों ने किया विरोध। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 4था दिन भी रहा हंगामेदार। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का जमकर विरोध प्रदर्शन। सदन के शुरू होने से पहले ही गेट के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। जहरीली शराब से मौत मामले में विपक्ष का हंगामा। नीतीश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा शराब पीना है गलत। साथ ही कहा कि गड़बड़ करने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे को लेकर भी कही बड़ी बात। कहा दारू पीने से मरने पर सरकार नहीं देगी मुआवजा। इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर करेंगे लोगों को जागरूक। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा जिस वक्त हम उनके साथ थे तो पीएम ने शराबबंदी की थी तारीफ और आज बीजेपी के बदल गए सुर। नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मरने वाले मामले पर दिया बयान। दूसरे राज्यों के आंकड़े भी उठाए, सवाल भी उठाए। कहा जहां जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बिहार से दूसरे राज्यों में है ज्यादा। नीतीश कुमार के गुजरात मोरबी के पुल हादसे का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पश्चिम बंगाल के पुल हादसे से की तुलना। कहा बीजेपी शासित राज्यों में हादसे पर नहीं होती है चर्चा। नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि हर आदमी सही नहीं हो सकता, लिहाजा गरीब लोगों को समझाने की है जरूरत। सीएम नीतीश ने की लोगों से शराब छोड़ देने की अपील। सारण शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून पर रखा अपना पक्ष। हरियाणा और यूपी से आ रही बिहार में जहरीली शराब। नेता प्रतिपक्ष के रिश्तेदारों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप। कहा नेता प्रतिपक्ष के समधी के घर से मिला 108 कार्टन शराब। बीजेपी के ने आरोप पर किया पलटवार। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने समधी के घर मिली शराब की बड़ी संख्या में बोतलों के मामले में जांच की मांग। छपरा शराबकांड को लेकर प्रशांत किशोर का भी सरकार पर निशाना। कहा छपरा शराबकांड का सरकार शोकाकुल होने की बजाय सरकार कर रही बयानबाजी। छपरा शराबकांड में मरने वालों के परिजनों से मिले सांसद राजीव प्रताप रूड़ी। कहा छपरा कांड देश की सबसे बड़ी त्रासदी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छपरा शराबकांड का मामला। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। याचिका में स्वतंत्र एसआईटी से जांच की मांग। बिहार में शराबबंदी पर सियासत जारी। छपरा में संदिग्ध मौत के बहाने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल। कहा लग रहा आरजेडी चला रही सभा। विपक्ष की माइक बंद करने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। हथियारी जोहार यात्रा के तहत देवघर में सीएम सोरेन ने की मीटिंग। कई कार्यक्रमों में सीएम हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति 2021 को किया रद्द। राज्य से 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता भी खारिज। देवघर दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन बाबा वैद्यनाथ के दर पर लगाई हाजिरी। राज्य की सुख शांति की कामना। झारखंड में टीईटी पास पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से मिली मायूसी। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के मामले पर दायर याचिका खारिज। साहिबगंज के राजमहल में दर्दनाक सड़क हादसा। दुर्घटना में एक शख्स की मौत, एक की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सिवान में जाली नोट के काले कारोबार पर शिकंजा। लगभग 5 लाख रुपए के मिले जाली नोट। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। लखीसराय में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई का विरोध। हलसी मुख्य सड़क के पास ग्रामीणों ने किया सड़क जाम।
बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर दबंगों ने दिखाई दबंगई। स्कूटी सवार को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सुपौल में नेशनल हाईवे 106 पर उड़ती धूल से व्यवसायी परेशान। कर जाए बाजार बंद कर व्यवसायियों ने जताया विरोध। जबरन में मजदूरी से मना करने पर दबंगों ने मजदूर को पीटा। दबंगों की पिटाई से मजदूर की हालत गंभीर। आरोपियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई। नालंदा में 12,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अररिया के गौतम कुमार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नवंबर 2022 तक चोरी के 36 मोबाइल के बरामद। मोबाइल मालिकों को सौंपे गए मोबाइल। बगहा के रामनगर में हथियार के बल पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट। ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था मालिक। अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गढ़वा के मेराल थाने पर हमला करने के आरोप में प्रखंड प्रमुख गिरफ्तार। थाने पर हमला करने के लिए ग्रामीणों को भड़काने का भी आरोप। रोहतास में पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव हत्याकांड के अभियुक्त के घर पर कुर्की जब्ती। आरोपी के घर रखे सभी सामानों को पुलिस ने किया जब्त। बगहा के रामनगर में मजदूर की हत्या से सनसनी। हत्या के शव को खेत में फेंकने का मामला। एक दिन पहले से घर से लापता था मजदूर। मोतिहारी में महिला पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश। बात करने से मना करने पर सन की प्रेमी ने जलाने की कोशिश। अररिया के बैरगाछी आउटपोस्ट के पास पेड़ से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। ससुराल वालों पर लगा हत्याकार। मोतिहारी में सन के आश्रित ने युवती को पेट्रोल चलाकर फेंक कर जलाने की कोशिश की। बात करने से मना करने पर दिया घटना को अंजाम। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर में जमीन विवाद में रिश्ते का हुआ कत्ल। डुबरा गांव में जमीन बेचने को लेकर भाई ने अपने ही भाई को मारी गोली। मौके पर हुई भाई की मौत। पुलिस जांच में जुटी। कैमूर में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर को बनाया निशाना। बिलौड़ी गांव में निर्माणाधीन काली मंदिर परिसर में की 1 लाख रुपए के सामान की चोरी। बेतिया में राजेश श्रीवास्तव की हत्याकांड मामले में पिता जलेश्वर ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। आरोपी फिरदौस के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पटना सिटी के फतेहपुर गांव में सड़क किनारे मिला जख्मी हालत में शख्स। चाकू से शख्स पर हुआ था हमला। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय में बदमाशों के हौसले बुलंद। मोबाइल से भरा बैग लेकर बाइक सवार बदमाश फरार। रिक्शे से बैग लेकर आ रहा था दुकानदार। मधेपुरा में एक परिवार ने उत्पाद विभाग पर मारपीट और बदसलूकी का लगाया आरोप। घायल स्थिति में 5 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के स्कूल में छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। पुलिस को दी गई है मामले की जानकारी। बोकारो में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत। गौशाला तोड़कर भागने के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय में बेकाबू होकर एक घर में घुसी ट्रैक्टर। बाल बाल बचे लोग गेहूं पिसवाने के लिए जुटे थे कई लोग। भोजपुर में अवैध खनन के बाद अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा ट्रक और ट्रैक्टरों को जब्त किया है। 6 ड्राइवरों समेत अन्य की हुई है गिरफ्तारी। आरा में दिखा रफ्तार का कहर। बहन से मिलने जा रहे शख्स को अज्ञात वाहन ने रौंदा। मौके पर शख्स की मौत। भोजपुर जिले के जगदीशपुर इलाके की घटना। सुपौल में खाद को लेकर घंटों चला ड्रामा। रोड पर लावारिस ट्रक में खाद देखकर उमड़े किसान। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिला यूरिया खाद। लखीसराय में प्लास्टिक की रोकथाम के लिए नगर परिषद की छापेमारी। 5 दुकानों से 10 किलो पॉलीथीन की बरामद। दुकानदारों से वसूला 2,500 रुपए जुर्माना। सीतामढ़ी के बलसंड में सरकारी बस स्टैंड का हाल बदहाल। 6 साल पहले लाखों की राशि में बनाए गए बस स्टैंड का नहीं हो पा रहा बेहतर इस्तेमाल। रामगढ़ में सदर अस्पताल के बिल्डिंग का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को करेंगे सुरक्षा। उड़ान योजना के तहत बने बोकारो हवाई अड्डे में OLS सर्वे का काम शुरू। 21 दिसंबर तक 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट की सुरक्षा मानकों की टेक्निकल तरीके से करेगी जांच।
खगड़िया में नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियां तेज। पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर 300 से अधिक वाहनों को किया गया है जब्त। बगहा में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। लखीसराय में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर थाने की पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। बांका में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम रूप देने की तैयारियां जारी। जागरूकता रैली के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। खगड़िया में निकाय चुनाव को लेकर डीएम और एसडीएम ने की ब्रीफिंग। मतदाताओं को दी गई चुनाव कराने किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से वोट दी जाती है, इसकी जानकारी गाइडलाइन के मुताबिक वोटिंग कराने के निर्देश। रांची में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का ऐलान। कहा मांगों को लेकर शनिवार से राजभवन के सामने करेंगे अनशन। बोकारो में ऑनलाइन आवेदन के बावजूद साइकिल नहीं मिलने से छात्र नाराज। डीसी ऑफिस पहुंचकर छात्रों ने किया हंगामा। स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों ने लगाया आरोप। कैमूर के मोहनिया में सड़क बनाने वाली कंपनी स्पायरो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने किया काम ठप। वेतन नहीं मिलने के तक काम बंद रखने की मजदूरों ने दी है चेतावनी। सरायकेला एसडीपीओ कार्यालय में सेविकाओं की समीक्षा बैठक संपन्न। समीक्षा बैठक में आगामी कार्यक्रम के बारे में दिए गए दिशा निर्देश। कैमूर के करमनासर रेलवे स्टेशन के पास रेल फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग। गांव के सैकड़ों लोगों ने मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरायकेला के नवनिर्मित अनुमंडल कंबाइंड बिल्डिंग में जल्द शुरू होगा काम। कंबाइंड बिल्डिंग में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का होगा कार्यालय। आईपीएस हरविंदर सिंह ने दी जानकारी। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में प्रिंसिपल संजय चौधरी के एक्सटेंशन को लेकर बवाल। छात्र आरजेडी ने खोला प्रिंसिपल के एक्सटेंशन के खिलाफ मोर्चा। विश्वविद्यालय प्रशासन और टीएनबी कॉलेज के प्रचार के खिलाफ नारेबाजी। गढ़वा में सीएम सोरेन के निर्देश पर मुसहर परिवारों को मिला सम्मान। कल्याणपुर के पास प्रशासन की टीम पहुंची। सरकारी योजनाओं से जोड़े गए टोले के सभी लोग। लखीसराय के सब्जी मंडी पुरानी बाजार से लाली पहाड़ी तक रिवर फ्रंट मरीन ड्राइव बनाने की मांग। विधानसभा सत्र में ट्रैफिक से बचने के लिए सिकंदरा विधानसभा के विधायक प्रफुल्ल मांझी ने उठाई आवाज। धनबाद में नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। नए साल में ड्रंक एंड ड्राइव और लहरिया कट बाइकर्स पर लगाम लगाने के निर्देश। सरायकेला में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का बढ़ाया गया समय। सिविल सर्जन ने कहा बचे हुए लोग जल्द से जल्द खालिदाबाद, ताकि फाइलेरिया के कीटाणु शरीर में पनप ही न पाए। नवाद नगर निगम में निविदा प्रक्रिया के दौरान बवाल। सॉलिड वेस्ट से बायोगैस बनाने को लेकर 19 करोड़ की निविदा प्रक्रिया के दौरान हंगामा। टेंडर पेपर छीनकर भागने लगा शख्स। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर झारखंड के वीर योद्धाओं को किया गया। धनबाद में प्रदूषण को दूर करने को लेकर जिले के विकास के लिए प्रशासन ने उठाए अहम कदम। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है सड़क। देवघर में जेएमएम का झंडा लेकर सीएम से मिलना पहुंचा बुजुर्ग। मिलने से रुके जाने पर बुजुर्ग ने लगा दी अधिकारियों की क्लास। सभा स्थल पर पहुंचकर सीएम को बुजुर्ग ने सुनाई आपबीती। चीनी सीमा पर आज भी दहाड़ेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान। पूर्वी मोर्चे पर दूसरे दिन भी जारी रहेगा युद्धाभ्यास। चीन की सीमा के पास इंडियन एयरफोर्स के राफेल और चिनूक सहित कई फाइटर जेट्स ने दिखाए दम। 20 दिसंबर से शुरू होगा वायुसेना का युद्धाभ्यास। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जमीन से लेकर आसमान तक जबरदस्त तैयारी। सेला टनल पर पहुंचा न्यूज स्टेशन। सुरंग का काम 90% तक पूरा। तवांग पर पहुंचना होगा आसान। तवांग में झड़प के बाद जर्मन राजदूत का बड़ा बयान। फिलिप एकरमैन ने कहा भारत के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता चीन का मुकाबला। भारत ने दुनिया को दिखाई अग्नि 5 मिसाइल की ताकत। नाइट परीक्षण में गाड़ी कामयाबी के झंडे। 5400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 की जद में चीन सहित पूरी एशिया के देश। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में सेना के जवानों ने दिखाया दम। फ्लाई पास्ट में शामिल हुए सुखोई और ध्रुव हेलीकॉप्टर। बीजेपी सांसद हरिनाथ सिंह यादव राज्यसभा में लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण का प्रस्ताव। सरकार से जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून की मांग।
जम्मू के राजौरी में दो पोल्टरों की मौत के बाद हंगामा, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, सेना के संतरी की फायरिंग में दो लोगों की मौत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में टीचर की हैवानियत, प्राइमरी स्कूल के टीचर ने मासूम को छत से फेंका, बच्चे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कश्मीरी पंडितों को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, कश्मीरी पंडितों को धमकी के लिए टीआरएफ जिम्मेदार, टीआरएफ आतंकी सज्जाद गुल और वारिस डाल ने रची थी साजिश। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की ही थी, पिता के डीएनए से हुआ मिला। गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा, भीम सिंह को भी 10 साल की सजा। दिल्ली में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, स्पास सेंटर की आड़ में हो रहा था धंधा, संचालक समेत थाईलैंड की 7 लड़कियां गिरफ्तार। मंदसौर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सागर में 5 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार, तलाश जारी। चंदौली में 8 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, परिजनों ने पुलिस को शव सौंपने से किया इनकार, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, मामले में जांच करेगी एसआईटी, आरोपी एसओजी प्रभारी गिरफ्तार।